तो आज मेरा लास्ट डे है बाली में, और मैं आज इधर से जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाली आके। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग प्लेस, और क्या बोलूँ, इट्स गुड पीपल, गुड प्लेस, एवरीथिंग इज़ गुड। पर हाँ, ये इतना सस्ता जगह नहीं है। अगर आपको सस्ते जगह सोच के अगर आ रहे हैं तो फिर दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इससे सस्ता आपको थाईलैंड पड़ेगा। तो ये इतना सस्ता नहीं है, पर इसका मज़ा ही कुछ अलग है। ये जगह बहुत ही सुंदर है, स्पेशली इसका जो समुंदर है वो काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जब भी आप आएंगे तो आपको समुंदर को मत मिस कीजिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहिए, जैसे कि आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग बेस्ट होता है, स्पेशली आपका नूसा पेनिडा में, वहाँ पे बेस्ट स्नॉर्कलिंग होता है, बेस्ट जगह है। आपको ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ पे आपको पूरा मछली से भरा हुआ है, आपके आगे पीछे सब कुछ, ऐसा लगेगा कि आप एक्वेरियम के नीचे हो। तो वैसा बात है। और यहाँ का खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अभी मैं खा रहा हूँ ये चिकन करी विथ राइस, तो दिस इज़ नाइस। पर ये भी खाना इतना सस्ता नहीं होता है, ये 23,000 आइडियर का है, मतलब करीबन आप पकड़ लीजिए 20,500, हाँ करीबन 120 रुपये का है, 120-150 रुपये का, जो कि इंडिया में काफ़ी सस्ता में मिल जाता है ऐसा खाना, पर यहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो वो मान के चलिए। और आप टिकट प्राइस कहीं से भी कर सकते हैं, इसका टिकट आपको सस्ता मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा R&D करेंगे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको सस्ता में मिल जाएगा, और खाना वगैरह मिल जाएगा सस्ता में। रहने के लिए आप कहीं पे भी रह सकते हैं, ऑन अप टू यू। अभी एयरपोर्ट आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट के पास में रुका था तो इसलिए एयरपोर्ट नज़दीक पे है, तो पैदल आ सकता हूँ। और ये मेरे सामने उस तरफ है एयरपोर्ट। तो बाली का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे आपको कोई दूसरे जगह दिखाऊंगा। तो तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आप मेरा दूसरे सीरीज़ भी देख सकते हैं, कश्मीर ट्रैवल, नेपाल ट्रैवल, दुबई ट्रैवल। हालांकि दुबई ट्रैवल मैंने SMS में बनाया था, और बाकी ये सारे वीडियोज़ मैंने हिंदी में बनाया था। मेरा हिंदी वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ अलविदा, बाय बाय बाली। मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप बाली से निकलने वाले हो, जितना जल्दी हो सकता है पहले आ जाना, 3 घंटा पहले आ जाना एटलीस्ट। और यहाँ पे जैसे कि इमिग्रेशन में चेकिंग बहुत टाइम लगाते हैं, और काफ़ी लंबा लाइन होता है, और मेरा एयर एशिया का फ्लाइट था तो इसमें काफ़ी लंबा लाइन था बोर्डिंग पास के लिए। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद भी आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, मतलब चेक इन करके। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर बिफोर लीविंग बाली। ओके, सी यू, बाय बाय।